अपनी इलेक्शन कंप्लेन बाबत स्टार्ट करिए। छोटे मोटे जिहड़े कोई मामला किसी नूं तुसीं मूसा साहब तों ने मेरे तों ने जां किसी भी दोस्त ने साडे काय बजाज साहब बैठे ने असीं हाज़र हाँ तो मैं तो जो मैं अपनी दसवीं राय तुहानूं देणगा इलेक्शन लड़न वास्ते जिहड़ा बयानी है जितना स्ट्रांग बयानिया पाकिस्तान मुस्लिम लीग कायदे आज़म कोल है किसी जमात को असी 2001 तो शुरू करना है 2007 तक 2018 तो शुरू करना है तो 2020 तक यही साडा पाकिस्तान की रिकॉर्ड तमीर तरक्की जिहड़ा तुसीं परवेज़ राय साहब नूं फिर सानूं टाइम लभा थोड़ा टाइम लभा 4 महीने लभा 6 महीने लभा उस दौर की साडी कारकर्दगी जिहड़ी है वह चौधरी ज़ोहर लाल खानदान की असी चूंकि हुण इलैक्शन आ गया गली गली महल महल हर वोटर सपोर्टर को जाना है बिला तफरीक हर वोटर को जाना साडा हक है अपनिया नावां की कुरबानी दे अपन छोटिया मोटिया शिकायत रंजिशां कि मैं किसी की शक्ल चंगी नहीं लगती उस बंदे नूं एक सवाल अपने जहन च बा लेना चाहिए कि शक्ल नदीम आशिक की चंगी नहीं लगती सरदार चौधरी मूसा राय नूं मेरी शक्ल नहीं चंगी लगती मैं मेरे नाराज रहो मैं इलैक्शन लड़ागा मैं वोट ना दियो लेकिन चूंकि कैंडीडेट चौधरी मूसा एलआई है मूसा एलआई से साडे सारयां दा मुतहिद होना जरूरी है इस चीज़ ने सानू इलैक्शन जिताना है तो जो तुम मेरे तो सारे सीनियर हो मैं सब तू जूनियर हाँ सियासत जबात से थोड़े तो आया अजी मुश्ताक साहब साढ़े बुजुर्ग बैठे ने मतलब फारूक साहब बैठे ने चौधरी अरशद साहब बैठे ने तमाम बुजुर्ग बैठे हो दिलावरपुर यूनियन कौंसल तो शुरू कर लो तो खुआर यूनियन कौंसल तक खोजो एक यूनियन कौंसल ऐसी नहीं अगर असी चौधरी बजाज साहब के एजेंडे नाल लैके नेक नीति नाल सारे दोस्त तिनका तिनका इकट्ठा करिए तो इलैक्शन वाले दिन इलैक्शन 8 फरवरी हो 8 दिसंबर होवे या जो भी इलैक्शन करा इलैक्शन से अभी हर सूरत लड़ना तो असी इंशाला इलैक्शन जीत जा अपने कायद को तकलीफ दी है कि सारे वर्करों मिलो इन्हों की गल भी सुनो जोड़ा हुक्म है चौधरी बजाज साहब से असं सारे मुतफिक तमाम सारे सारे जितने दोस्त आ गए तो जी गल मूसा साहब की रह गई मूसा साहब को जिन्ना टाइम लभ्या 19 अप्रैल 2020 चौधरी मूसा साहब ने अलका एनए 71 अपनी एंट्री की उन्हें कोशिश की कि हर दोस्त के घर जाया जाए एक बारी दो बारी चार बारी 10 बारी उन्होंने राजी करके जरा चौधरी बजाज हुसैन साहब का काबला है वो शामिल किया जाए उन्होंने अपनी ड्यूटी पूरी ईमानदारी पूरी दयानदारी की बिना तफरीक लोगों की खिदमत की और जो फंड उन्होंने लभे अगर यूनियन कौंसल असन पठान जी मेरी कौंसल है उसे 5 करोड़ लगे तो यूनियन कौंसल बार बार भी 5 करोड़ लगे बिना तफरीक 37 यूनियन कौंसलों ने 5 करोड़ रुपया भी दिता चौधरी भाई सरवर साहब ने जो फंड लभे चौधरी इमरान साहब ने जो फंड लभे सारे असी हल्के चलाए हूँ टाइम है कि असी अपनी परफॉर्मेंस लोगों को दसीए कि चौधरी परवेज़ लाई साहब का जो दौर है वह दसीए चौधरी परवेज़ लाई साहब का जो सैकंड दौर है वह असी दसीए तो लोगों को जाइए जितना स्ट्रांग बयानिया चौधरी बरादरान को गुजरात में मेरा नहीं ख्याल किसी जमात होता यूनिवर्सिटी ऑफ गुजरात वजीराबाद कार्डियोलॉजी 1122 पुलिस स्टेशन दी बिल्डिंग हॉस्पिटल स्कूल कॉलेज जिथे जिथे भी जरूरत पई है अगर किसी मैं एक दिन चोई साहब गुजारिश की थी कि चोई साहब साढ़े एक दो मसाइल ने एक घंटे के अंदर अंदर सीओ हेल्थ गुजरात कोटला आ गया तो उन्हें साडा काम कर दिया असी तमीरों तरक्की खिदमत नाल यारी दोस्ती च भराबंदी च वोट लैणे तो मेरा ख्याल है इलैक्शन होवे साढ़े सारे जो सब सारिया यूनियन कौंसल जे थाने कसराली दी ने साढ़े तमाम साथी मौजूद ने जेडे कि साढ़े रास्ते अगर जो दोस्त नहीं आए वो चैक कर लो मीटिंग बाद भी रबता करो जो उन्होंने जिले शिकवे हैं उन्होंने भी दूर किए जा इलैक्शन भरपूर तरीके चौधरी बजाज हुसैन साहब की क्यादत चौधरी शुजात हुसैन साहब की क्यादत लड़िया जाए चौधरी शुजात साहब ने जो कल इंटरव्यू दिता है उन्हें वाजा कर दिता है कि पाकिस्तान तमाम सियासी जमात साडे कायदीन रबते ने सीट एडजस्टमेंट भी चाहदियां ने साडी मदद करना भी चाहदियां ने और साडे कोल मदद लैना भी चाहदियां यह किसी सियासी जमात का वकार होंदा है तो एक गुजारिश चौधरी साहब ऐसे कारकुन ये झंडे को अगर मेरी जाती ख्वाहिश है कि सानू किसी भी सूरत मुस्लिम लीग नून नाल किसी भी तरह का अलायंस नहीं करना चाहिए बिकॉज जिहड़ा इन्होंने 16-17 महीने लोगों को तकलीफ दी है आटे की शक्ल चीनी की शक्ल कोई जरूरियात जिंदगी ऐसी नहीं कि जी जो रेट उन्होंने 10 रुपए तो 30 रुपए नहीं कर आटे देख लो उन्हें 3 गुना रेट कर दिता है तेल में देख लो बिजली देख लो
कोई चीज ऐसी नहीं जिहड़ा इन्हां 16 महीने इस कौम को इंतकाम नहीं ले। अगर असी इन्हां को इस जमात को मैं तो गैर पार्लीमानी गुफ्तगू है मैं तो इन्हों डाकू ही समझना कि डाकुआ को असी एक थोड़ी स्पेस लैके चौधरी शुजात साहब के एजेंडे से चौधरी परवेज अलाई साहब के एजेंडे से चौधरी विजय साहब के एजेंडे से असी अपनी परफॉर्मेंस से इलेक्शन लड़ांगे अल्लाह के फजलो करम नाल अल्लाह की मदद नाल। 8 MPA 4 MNA असी तड़ले नाल अपने जोरलाई खानदान के प्लेटफॉर्म तो इलेक्शन लड़िए तो असी जित जाए जी सानू अगर असी इन्हों अपना हाथ मिला लिया तो मेरा ख्याल है जी जुलम जाती है ना की है हाँ वह भी साड़ी निकल जाएगी जिहड़ा इन्होंने जुलम जाति लोगों किया असं उन्होंने कंडेम भी करने और अपनी क्यादत को भरपूर गुजारिश भी करने कि इन्हों इताद ना करो अगर उन्होंने माफ़ी लभदी है जे जिद रफड़ चपड़ पे इन्हों का तो वो भी एडजस्टमेंट हो सकती है और भी किसी जमात हो सकती है और अगर एडजस्टमेंट नहीं होंगी चौधरी बरादरान कोई पुलिंग ऐसा नहीं कोई महला ऐसा नहीं कोई पिंड ऐसा नहीं कोई यूनियन कौंसल ऐसी नहीं कोई तहसील ऐसी नहीं जिते चौधरियों का वफादार साथी इन्हों के खानदान का हिस्सा जोड़ा वो मौजूद ना हो। यह सिर्फ चौधरी बजाज सैन और चौधरी बरादरान एजाज हासिल है कि पूरे डिस्ट्रिक्ट गुजरात साड़ी टीम है यही एजेंडा है यही असं जो साहब तक शफकत चाहते हैं कि सारे दोस्तों सुन भी लो तो जो तुम्हारा हुक्म होगा असी पाबंद।